सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन को लेकर के फाइनली डिसीजन हो चुका है कि कब से आपका ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको बता दें, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन में एडमिशन करने का मतलब BA BSc BCom में एडमिशन लेना है, रेगुलर कोर्स हो गया। और अगर आपको वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, करने का मतलब BBA BCA जैसे जो सारे कोर्सेज होते हैं, ये सारे वोकेशनल कोर्स कहलाते हैं। तो दो प्रकार के कोर्स में एडमिशन होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। एक तो रेगुलर कोर्स करने का मतलब BA BSc BCom, और साथ में आपका वोकेशनल कोर्स करने का मतलब BCA BBA जैसे जो कोर्सेज होते हैं वो आते हैं वोकेशनल कोर्स में। तो ये दोनों कोर्स में, रेगुलर कोर्स में और वोकेशनल कोर्स में, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई होना है वो आपका 22 मई से होगा। यानी कहने का मतलब जस्ट आज से 2 से 3 दिनों बाद आपका अप्लाई होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन, क्या सारी इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को समझिएगा सही तरीके से। सबसे पहले थोड़ी सी स्टोरी को आप समझ लीजिए ताकि आपको समझने में बेहतर हो। देखिए, थोड़ी सी स्टोरी को समझ लीजिए। होता क्या है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला नोटिस आता है एडमिशन को लेकर के, वो अप्रैल के महीने में आती है। और अप्रैल के महीने में कहती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आपका 25 अप्रैल से स्टार्ट होना था। मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन में बार बार बोलूंगा, मतलब रेगुलर कोर्स या वोकेशनल कोर्स, तो इसमें अप्लाई होने के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सबसे पहले नोटिस लाई थी जिसमें बताई थी कि अप्लाई होगा 25 अप्रैल से। लेकिन बिहार में 13 अप्रैल को डिसीजन हुआ। 13 अप्रैल को डिसीजन जाकर के क्या होगा कि अब बिहार में होगा 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम। और जब ये डिसीजन हुआ तो इस नोटिस को कैंसिल कर दिया गया और 25 अप्रैल से स्टार्ट आपका ऑनलाइन नहीं हुआ। इसके बाद जब बैठक हुई, बैठक होने के बाद फाइनली जब डिसीजन तैयार हो गया और जब सिलेबस ये सब तैयार हो गया कि अब बिहार में क्या लागू होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम लागू होगा, जब ये बिहार में क्लियर हो गया कि 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम लागू होगा, इसके बाद बिहार सरकार के द्वारा, यानी कहने का मतलब जो राजभवन होती है, जो बिहार का जो गवर्नर होते हैं, उनके द्वारा नोटिस आया कि आपको क्या करना है, सारे एडमिशन के प्रोसेस को 20 मई से स्टार्ट करना है और हर हालत में एडमिशन को 31 जून यानी लास्ट ऑफ जून तक खत्म कर देना है और 4 जुलाई से क्लास स्टार्ट कर देना। ये सारा नोटिस आता है बिहार सरकार के गवर्नर के द्वारा निकल करके आता है। तो फाइनली जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है कल अपनी बैठक रखती है, यानी 18 मई को बैठक करती है, और बैठक करने के बाद फाइनली डिसाइड कर लेती है कि अब जो एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन लेगी वो 22 मई से लेगी, यानी कहने का मतलब 1 से 2 दिनों के बाद लेगी। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, पहले पूरे प्रोसेस के बारे में समझ लीजिए। अगर आप प्रोसेस के बारे में समझ जाइएगा तो डेट ये सब आप सही तरीके से समझ पाइएगा। तो चलिए पहले मैं आपको प्रोसेस के बारे में समझाता हूँ, समझिएगा सही से प्रोसेस के बारे में। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार का कोर्स है, एक तो आपका रेगुलर है, एक आपका वोकेशनल है। रेगुलर करने का मतलब BA BSc BCom जो होगा इस बार 4 साल का, और वोकेशनल कोर्स करने का मतलब BBA BCA ये सब कितने टाइम का होगा, 3 साल का ही होगा। और दोनों में जो एडमिशन होगा, एडमिशन के लिए सबसे पहला काम क्या है, 22 मई से स्टार्ट होगा ऑनलाइन अप्लाई करना। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, अप्लाई करना। और इसका जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो एक्सपेक्टेड है, इसका जो अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा दोनों के केस में स्टार्ट हो जाएगा 22 मई से, आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने का। और इसी के अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट जो तकरीबन होगा वो आपका उम्मीद है कि 9 जून के आसपास तक इसका लास्ट डेट रहे, या 5 जून ही रखा जाए, यानी लास्ट डेट जो इसका रहेगा 9 जून के आसपास रहेगा दोनों का। इसके बाद आपका क्या आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, यानी इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कहने का मतलब इसमें जो एडमिशन के लिए जो बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, जो स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा, वो किया जाएगा क्लास 12th के नंबर के बेसिस पे। यानी अगर आपको रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में तो भी आपका सिलेक्शन होगा क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, और अगर आपको वोकेशन कोर्स में लेना है तो इसका भी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा वो आपका किसके बेसिस पे तैयार किया जाएगा, तो क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पे ही तैयार किया जाएगा। यानी अगर आपका क्लास 12th में ज़्यादा परसेंटेज तो आपका ज़्यादा एडमिशन का चांस है, अगर आपका कम परसेंटेज तो आपका चांस बहुत कम है। यानी आपका जो आपका डिसीजन है वो डिसीजन किसके बेसिस पे होता है, क्लास 12th के नंबर के बेसिस पे होता है। लेकिन आपको बता दें कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो सीटें हैं वो तकरीबन 1,20,000 सीटें हैं, तो कह सकते हैं ज़्यादा चांस है आपका एडमिशन का, तो आपको एडमिशन के लिए ज़्यादा कोई परेशानी होना नहीं है। बस अंतर इतना होगा कि आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल सकता है, और आपको मिल सकता है मॉडरेट कॉलेज या नॉर्मल कॉलेज। अगर मैं बात करूँ टॉप कॉलेज के बारे में कि कौन कौन सा टॉप कॉलेज है, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आता है सबसे पहले AN कॉलेज, इसके बाद सेकेंड टॉप में आता है कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसके बाद आता है TPS कॉलेज, इसके बाद जो कॉलेज का लिस्ट है इसमें आपका आता है JD वुमेन्स कॉलेज, इसके बाद आता है अरविंद महिला कॉलेज, इसके बाद आपका आता है BD कॉलेज। ये जो सारे कॉलेज है ये टॉप में आते हैं। सबसे पहले टॉप में कौन कौन आता है, AN और कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसके बाद TPS और GD सेकेंड टॉप में आते हैं।
तो इस तरीके से कॉलेज का लिस्ट है, तो जो टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज अगर आपका परसेंटेज कम होगा तो टॉप कॉलेज में मिलने के चांसेस कम है। कारण है कि जो टॉप कॉलेज है उसमें जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 85% प्लस जाने की उम्मीद है, यानी अगर आपका 85% से ज़्यादा अगर आपका क्लास ट्वेल्थ में है तो फिर आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आपको नॉर्मल कॉलेज मिलेगा लाइक TPS BD इस प्रकार के आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये तो अगर परसेंटेज को लेकर के बात की कितने पर आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, हालांकि कॉलेज को लेकर के हम लोग और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे, मैं आपके लिए और भी ढेरों सारे वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कौन कौन कॉलेज टॉप है, इसमें कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है। फिलहाल में समझ लेते हैं पेपर वाले कटिंग के अपडेट को, तो चलिए देखिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया, यहाँ देखिए बताया गया है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा, 22 मई से होगा और राजभवन के जारी निर्देश के अकॉर्डिंग ही होगा। और इसका निर्देश क्या है कि जो नामांकन लेना है, जो एडमिशन लेना है, वो क्लास ट्वेल्थ के नंबर के बेसिस पे लेना है। साथ में आपको बता दें इसके लिए जो ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन करने का प्रोसेस के बारे में यहाँ देखिए बताया गया कि PPU में पहले सेमेस्टर में नामांकन के लिए तीनों चरणों में कट ऑफ सूची आएगी, यानी इसमें कितना लिस्ट आएगा, तीन लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट। और जैसे ये सारा लिस्ट आ जाता है इसके बाद जो एडमिशन का जो प्रोसेस है हर हालत में 2 जुलाई तक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में खत्म कर दिया जाएगा और 4 जुलाई से फाइनली क्लास आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाएगा, इस प्रकार की प्लानिंग बनाई गई। और इसके बाद लास्ट में सीटें बचती है तो स्पॉट राउंड वगैरह का एडमिशन का प्रोसेस होगा। वहीं अगर बता दें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सीटों के बारे में तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में टोटल 1,20,000 सीटों पर एडमिशन होना है। आपको बता दें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में तो 26 इसके अपने कॉलेज हैं, 43 इसके प्राइवेट कॉलेज हैं, कुल मिलाकर के इतने सारे कॉलेज हैं। और इनके जो सारे जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो https://admission.ppuponline.in पे होगा और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको भी लेकर के मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, यानी इसका जो पूरा जो प्रोसेस है इसको लेकर के मैं बताऊंगा। उम्मीद है इसको लेकर के जो डिटेल में नोटिस है वो उम्मीद है कि 20 मई के आपको, यानी कल तक आपका इसका डिटेल में जो पूरा नोटिफिकेशन है, जो यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन को जारी करेगी वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है डिटेल वाला फिर हम लोग बात करेंगे डिटेल में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए जानना जरूरी है। तो देख सकते हैं ये भी आपका पेपर का कटिंग है, दैनिक भास्कर के पेपर के कटिंग से लिया हूँ मैंने, जिसमें बताया गया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपका स्टार्ट है 22 मई से। तो इस पेपर वाले कटिंग में बताया गया कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जो चॉइस बेस्ड जो क्रेडिट सिस्टम हुआ है, यानी जो CBCS सिस्टम के तहत में जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम हुआ है इसके तहत में एडमिशन के लिए 22 मई से ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3 मेरिट लिस्ट आएगा, मैंने ऊपर भी बताया था। इसके बाद इसके विश्वविद्यालय में जो सीटें हैं वो कुल मिलाकर के 1,20,000 सीटें हैं जिसपे एडमिशन होना है। और इसके लिए पटना एवं नालंदा जिला के जो सारे जो कॉलेजेस हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के उसमें एडमिशन का प्रोसेस कम्प्लीट होगा। और इसको लेकर के मैंने बताया भी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कल ही बैठक किया गया था, यानी कुलपति प्रोफेसर RK सिंह की अध्यक्षता में नामांकन समिति की ओर से कल बैठक हुई थी और इसमें डिसाइड किया गया था कि जो स्नातक के जो नियमित कोर्स है जो प्रथम सेमेस्टर है उसके लिए जो ऑनलाइन नामांकन लेने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वो 22 मई से स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए कट ऑफ सूची फिर बाद में जारी की जाएगी। और हर हालत में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 2 जुलाई तक खत्म कर लिया जाएगा, इसके बाद 4 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। यही सारा अपडेट सारे पेपर में बताया गया है, तो जो भी सारा इंपॉर्टेंट अपडेट था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के वो मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए बात किया है। तो आशा करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर आपको सारे अपडेट आपको मिल सके और आपका कोई भी आपका अपडेट के कारण कोई भी आपका प्रोसेस मिस ना हो सके। वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।